दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बन जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के लिए भारतीय दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाली भविष्यवाणी की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। लेकिन इसी बीच भारत के तमाम दिग्गजों ने फाइनल मैच के लिए भविष्यवाणी कर दी। इस दौरान सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी ने भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसी टीम को वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन घोषित कर दिया, जिसका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने भविष्यवाणी करते हुए किस टीम को चैंपियन घोषित किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी में किस खिलाड़ी के दम पर भारत फाइनल में पहुंचा है, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच के लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें, साल 2003 के बाद 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती दिखाई देंगी। लेकिन इसी बीच वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से पहले भारतीय दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के फाइनल मैच में भारतीय टीम को जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम मौजूद है, जिसके चलते भारतीय टीम आने वाली फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन तो करेगी, साथ में वर्ल्ड कप को अपने नाम भी करेगी, क्योंकि इस समय भारतीय टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अपने शानदार फॉर्म के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल कर चैंपियन भी बना देगा। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच होने वाला है, इस मैच में मेरे अनुसार तो भारतीय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम से भारत को बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास बड़े मैच में खेलने का अच्छा अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने के लिए भारतीय टीम सबसे प्रबल दावेदार है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगी, साथ में जीत भी दर्ज करने के साथ चैंपियन बनने वाली है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को फाइनल मैच खेलना है, मुझे इस बात का डर है कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिक्कतों का सामना कर सकती है, क्योंकि नॉकआउट मैच में भारत के रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में जिस तरीके से हराया था, उसी तरीके से भारतीय टीम फाइनल मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हरा कर चैंपियन बनेगी। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारत का मैच काफी रोमांचक होगा, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाफ अगर कोई टीम बेहतर प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में कर सकती थी तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया था, लेकिन हमने न्यूजीलैंड से बदला ले लिया है और ऐसे में अब हमें आगे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बचकर रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ हमारा प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में शानदार रहा है और इसी तरीके से हम बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मैच में हरा कर उसको सही जगह दिखाएंगे। तो वहीं कपिल देव ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच रोमांचक हुआ, क्योंकि दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप की मजबूत टीम है और ऑस्ट्रेलिया को कभी भी कमजोर समझना दूसरी टीम के लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पर भारतीय टीम काफी मजबूत तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास इस समय सबसे बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्रम मौजूद है, ऐसे में भारतीय टीम जीत के लिए तैयार हो जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।